चित्र कला कितनी हमको प्राचीन काल से ही चित्रकला पर ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। चमड़े पर निर्मित अग्नि देव के चित्र की चर्चा आती है। वास्या के पांचों में भी चित्रकला के छह अंगों का वर्णन दिया गया है। चित्रकला के छह अंग निम्नलिखित हैं। रूप, प्रभा, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका। भारतीय ग्रंथों में तीन प्रकार की आकृतियां का वर्णन है। पहला सप्त, दूसरा वार्षिक, तीसरा तामसिक, जिसमें मानव महापुरुष राजा और योद्धा की पहचान की जा सकती है। प्रमाण चित्र की नाम उसके शरीर के अनुसार भेदी की जाती है। नारी का शरीर उसके चेहरे की नाप से छः गुना से अधिक न हो। पुरुष का शरीर चेहरे से 8 गुना से अधिक न हो। भाव भारतीय चित्रकला में भावपक्ष महत्वपूर्ण होता है। इसके 4 प्रकार हैं। प्रथम सभंग, द्वितीय अभंग, तृतीय त्रिभंग, चतुर्थ अति भंग। ये सभी भावों के अलग आकृतियों के प्रकार हैं। चित्र में भाव और लावण्य का होना दोनों
को मुखाभिव्यक्त करता है। भाव एवं सौंदर्य बोध का ज्ञान हो। पांचवा सादृश्य कमल से नायिका के बालों की तुलना सर से और नयन की तुलना मृग से की गई है। सौंदर्य बोध अत्यधिक प्रभावित करती है। वर्णिका भंग प्राचीन काल में चित्र बजाने घास की कुची ली जाती थी। गिलहरी के पेड़ में जो रहती है गिलहरी के बालों से ब्रश बनाते थे। रंग के लिए कोयला खड़ियां मिट्टी गेहूं का प्रयोग किया जाता था। चित्रों का ज्ञान प्राचीन कालीन गुफाओं में स्पष्ट रूप से मिलता है। पहला इस शैली के
चित्रों में अजंता की परंपरा विद्यमान है। दूसरा, महायान संप्रदाय के प्रति भयावह चित्र मिलते हैं। लाल, नीला, पीला, सफेद, काला रंग प्रयुक्त किया गया है। इसे सही काम शैली का पतन कम हुआ है। यह शैली बंगाल में 13वीं सदी तक विद्यमान है। नेपाल में 16वीं सदी तक विद्यमान रही। थैंक यू।